ओके, जब रेशियो दे रखी होती है ना, तो इस रेशियो को हम इस फ्रैक्शन में लिख लेंगे और इस रेशियो को इस फ्रैक्शन में लिख लेंगे, और कंप्लीट के डिवाइड में हो गया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस फोर फैक्टोरियल इक्वल टू 1/9, इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको, जब जो बड़े वाला है ना, एन और एन माइनस वन में कौन सा बड़ा है, एन और एन माइनस वन में कौन सा बड़ा है, एन बड़ा है, क्योंकि एन में से देख माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, ऊपर वाले को तो ऐसे का ऐसे रहने दूंगा, नीचे क्या करूंगा एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिख दूंगा और इक्वल टू 1/9। एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हैं। इसके बाद हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग द ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशन ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। देखिए, अभी जो आपके क्वेश्चंस आएंगे लगभग यहाँ तक, इन सभी में एक खासियत है, इनमें कोई भी वर्ड रिपीटेशन नहीं है। जैसे मैं लिख दूँ बी ए ए, मैं इस ए को इधर लिख रहा हूँ, इस ए को इधर लिख रहा हूँ, बी ए ए, क्या इन दोनों वर्डों में कोई फर्क नहीं है, तो ये काउंटिंग में नहीं आता है। तो इसीलिए पहले अभी हम इनकी बात कर रहे हैं जो ये सिंपल, जिसमें कोई भी वर्ड रिपीटेशन में नहीं है, अभी वो चीज़ें आपकी चल रही है। इसमें क्या करना होता है वो भी आगे आपको क्वेश्चन नंबर 10 में बता दूंगा। तो सबसे पहली चीज, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, 8 का ही बनाना है, ऑल लेटर्स यूज होने चाहिए। 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, इट विल बी इक्वल टू 8/0 फैक्टोरियल, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 0 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 1, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर मंडे, MONDAY, मंडे का यूज करते हुए। अब सबसे पहले इसने बात कर दी कि भी 4 लेटर्स एक बार यूज होने चाहिए। इसमें है कितने, 1 2 3 4 5 6 6 लेटर्स हैं, 6P4, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 माइनस 4, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 6 × 5 × 4 × 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बच गया, 360 हो गई साइड मल्टीप्लाई, आंसर। अब ऑल लेटर्स आर यूजिंग एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा, 6P6। ऑल लेटर्स आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, ऑल लेटर्स यूज करने चाहिए लेकिन जो फर्स्ट लेटर है ना वो वोवल होना चाहिए, या तो ओ हो सकता है पहले नंबर पे, या आपका ए हो सकता है। आप देखिए, अगर ओ यहाँ आ गया तो मेरे पास कितने वर्ड बच गए, 5 वर्ड बच गए, तो 5P5। अब ये 5P5 है, एक बार तो ओ के साथ बनेगा, एक बार ए के साथ बनेगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 5P5। तो इसे 2 × 5 फैक्टोरियल सोल्व कर दीजिए, 2 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, 240। इजी है। देखिए, आपने क्या करना है, जितने भी नंबर्स आप रिप्लेस अप कर सकते हैं उतने नंबर्स के आप प्रोडक्ट कर सकते हैं, या फिर देख भी सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ 2 ही लेटर यूज कर सकता हूँ, तो 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5P5, इस तरह से भी इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परमुटेशन वर्ड लिखता हूँ पहले, सबसे पहले MISSISIPPI। अब देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे M एक बार है, टोटल वर्ड कितने पहले गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 11। ओके, टोटल आपके पास अल्फाबेट हो गए 11। ओके, अब आपने क्या करना है, एम हो गया 1, अब आई कितने हैं, 1 2 3 4, ये हो गए 4। अब आपके पास एस कितने हैं, एस भी हो गए 4। अब और क्या बच गया,
पी पी कितने हैं टू, ठीक है, ये हमारे पास लेटर्स हो गए हैं। अब इसने सबसे पहली बात क्या कही है कि भाई जो आई है ना वो इकट्ठा नहीं आना चाहिए, मतलब आई 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 इकट्ठे नहीं आए, ठीक है, ये फोर के फोर आई तीन आ सकते हैं लेकिन चौथा इकट्ठा ना आना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बंद लगाते हैं भाई कितने टोटल वर्ड बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 11 लेटर्स हैं, 11 पी 11 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास और क्या चीज रह गई कि भाई कुछ लेटर्स जो रिपीटिंग है, मतलब क्या कहूंगा मैं, जैसे मेरे पास मैडम है कोई वर्ड, अब एम मैंने पहले ही लिख दिया, अब ये वाला मैं ए यहां लिख रहा हूं, डी ऐसे का ऐसे, ए फिर यहां लिख दिया, एम यहां, क्या इन दोनों वर्डों में कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैंने वर्ड चेंज तो कर दिए, मैंने वर्डों को बदल तो दिया। जब मैंने वर्डों को बदल दिया तो मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है, जब मैंने वर्डों को बदल दिया तो मैं क्या कह सकता हूं, ठीक है, उनके लिए उनकी फॉर्मेशन तो बदल गई लेकिन उनका मीनिंग नहीं बदला, तो उसे मैं एज ए अल्फाबेट एज ए न्यू वर्ड नहीं बना सकता। तो ऐसे में क्या करेंगे, जितने भी वर्ड्स होंगे जो रिपीटेशन वाले हैं, 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial डिवाइड में कर देंगे ताकि उतने नंबर्स उनसे कैंसल आउट हो जाए, उतने नंबर्स की फॉर्मेशन खत्म हो जाए। अब ऊपर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, इसे सॉर्ट आउट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। अब मुझे एक कंडीशन और दे रखी है, कंडीशन क्या है भाई अब आपकी, कि इन्होंने बोल दिया है आपको कि जो वर्ड्स आपके हैं वे वर्ड्स जो हैं उनमें चार आई इकट्ठे नहीं आने चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वो वर्ड निकाल रहा हूँ जिनमें चार इकट्ठे आई आ रहे हैं, मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास टोटल 11 वर्ड्स हैं, अब मैं उन चारों आई को एक वर्ड मान लेता हूँ, ये चार जो आई हुए इन चारों को मैंने एक वर्ड मान लिया। सबसे पहले तो 11 में से 4 माइनस हो गए, हट गए 7 बचे, अब उसको मैंने एक वर्ड माना तो टोटल कितने वर्ड हो गए, 8। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि 8p8 निकाला जाएगा। अब बात एक हो गई भाई, 8p8 तो ले लिया मैंने, अब ये i तो खत्म हो गए लेकिन m तो है, s तो है, p तो है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब ये वे वर्ड हैं, ये वे से वर्ड हैं जिनके अंदर i इकट्ठा आ रहा है, क्योंकि इनको तो मैंने एक ही लेटर माना है। जैसे मैं जहां भी इसको सेट करूंगा ए, ए के बाद मैंने ये लिख दिया ये एक वर्ड, तो ये आई 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 चारों इकट्ठे तो लिखे गए होंगे, ये वे लेटर्स है जिनमें आई इकट्ठा आ रहा है, मान के चलते हैं भाई 400 कुछ भी आ गया है समथिंग, इसको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बच गए वे कौन से बच जाएंगे, जिनमें आपका आई इकट्ठा नहीं आ रहा है। अंडरस्टैंड हो गई बात, ओके, जिसको कोई प्रॉब्लम रह जाती है वो दे विल रेज देयर हैंड, आवाज आ रही थी तो मैंने आपको नोट कर दिया। इसके बाद 11th क्वेश्चन में क्या है, वर्ड है permutations, चैप्टर से ही वर्ड उठा लिया, परमुटेशंस, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, P तो एक ही बार है, A भी एक बार है, R भी एक बार है, M भी एक है, U भी एक है, T दो बार हो गया, A भी एक है, I भी एक है, O भी एक है, N भी एक है, S भी एक है, सिर्फ रिपीटिंग वर्ड है, ओनली रिपीटेशन किसकी है, ठीक है, ओनली रिपीटेशन किसकी है, T की, टू टाइम्स। अब कितने टोटल अल्फाबेट हैं, 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12. अब कितने लेटर्स हो गए आपके? 12 हो गए. सभी को मिलाते हुए फिर गिन लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब इन्होंने क्या कह दिया है कि पहला जो वर्ड है इसमें पी फर्स्ट नंबर पे हो गया और एस लास्ट पे हो गया. अब बीच में कितने लेटर्स बचे हैं मेरे पास? 10 लेटर्स बच गए, अल्फाबेट्स बच गए. अब 10 का यूज होगा, 10 ही वर्ड का होगा, लेकिन एक वर्ड है जो आपका रिपीटेशन कर रहा है. तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, यू विल आंसर 1. इनको सिंपलीफाई करना है आपने, कहीं इनको ऐसे ही छोड़ दें. 10 को पूरा सिंपलीफाई करना है ऐसे, ठीक है? फिर आपको सोल्व करते हुए फिर कैंसिल आउट करके तब करना है. अब आते हैं दूसरे वाले पे. All vowels together. सभी vowels इकट्ठे हों, together हों. अब उसको कैसे करें? सबसे पहले तो इसमें vowel देख लेते हैं भाई क्या क्या है. अगर मैं vowel देखता हूँ तो मेरे पास एक आया ई, एक आया यू, एक आया फिर से ए, एक आया आई, एक आया ओ. यही है ना, पांच मेरे पास वावल है. अब इन पांचों का मैं क्या मान लूंगा? एक वर्ड मान लूंगा, मतलब वही काम. 12 - 5 + 1 टोटल कितने लेटर्स हो गए? 8 हो गए. तब 8P8 और डिवाइड बाई क्या चीज रिपीट हो रही है? पी रिपीट हो रही है. तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ये वे वर्ड्स होंगे जिसमें हमारे वोवल्स इकट्ठे आए थे. याद रखना, जैसे हमने मिसिसिपी वाले में क्वेश्चन नंबर 10 में हमने आई को लिया था इकट्ठो वाला, अब उस इकट्ठे वाले से हमने आंसर निकाल लिया यहाँ पे. अब इसके बाद है नेक्स्ट जो हमारा है वो है कि देयर शुड बी ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस. पी और एस के बीच में आपके 4 लेटर्स रहने चाहिए. अब जो पी और एस है ना, उनके बीच में हमेशा 4 लेटर्स रहेंगे. सबसे पहली बात, ये मैं प्लेस बना रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ये 12 प्लेस हो गए जिसपे ये 12 अल्फाबेट्स लिखे जाएंगे. दीज आर द 12 प्लेसेस वेयर वी कैन राइट दीज 12 अल्फाबेट्स. फर्स्ट पोज हेयर विल बी पी, तो एस कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. सपोज पी इज हेयर, एस यहाँ आएगा. पी इज हेयर, एस यहाँ आएगा. पी इज हेयर, एस यहाँ आएगा. मतलब यहाँ से अगर एस शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे हैं जो कॉम्बिनेशन हमारे बन सकते हैं कि भाई 7 जगह हो गई जहाँ पे पी और एस के बीच में हम 4 लेटर लिख सकते हैं, जहाँ पे हम पी और एस के बीच में 4 लेटर लिख सकते हैं 12 तक. मतलब पहले छठे पे, फिर दूसरे सातवें पे, फिर तीसरे आठवें पे, फिर चौथे नौवें पे, 5 10 6 11 7 12. 1 2 3 4 5 6 7. इस पहले वाले पे पी आ रहा है, दूसरे वाले पे एस आ रहा है. टोटल प्लेसेस मेरे पास बने 7. अब 7 के साथ अब नेक्स्ट कंडीशन मेरे पास क्या है? अब इसने तो पहले लिख दिया पी, अब लिख दिया एस. क्या पहले एस और बाद में पी नहीं हो सकता? तब भी तो बीच में वही 4 आ रहे हैं, तो 7 वे बनेंगे. तो टोटल कितने बन गए? 14. टोटल कितने बन गए? 14. अब 14 मल्टीप्लाई, अब मेरे पास 10 है ना, 10p10 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, इट विल बी योर आंसर. ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल. ये जो एक्सरसाइज में है सबको समझ में आया होगा. अगर किसी का कोई डाउट है देखिए और सी के नाम अनम्यूट करे आपने आपको और पूछ सकता है. चलिए, जिनको समझ में आ गया वो हाथ उठा दें.
थोड़ा सा ये तो पता लगे कि हाँ समझ में आ रहा है। रेज योर हैंड दोज हु हैव अंडरस्टैंड। ओके वेल डन, गुड गुड, चलिए वेरी गुड। अब इससे आगे चलते हैं, डाउन कर लीजिए। अब जो आएगी आपकी, देखिए बेटा ये आएगी अब आपकी कम्बिनेशन पे। परमुटेशन हमारा ओवर हो गया है, अब हमने कम्बिनेशन को सीखना है। कम्बिनेशन का मतलब है कि किसी किसी चीज़ को कम्बाइन कैसे करना है, ठीक है, किसी चीज़ की कम्बाइंड रिजल्ट हमें आउटकम कैसे निकालने हैं, ठीक है, कि भाई कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास है जिसमें से सिलेक्ट करते हुए एक कम्बिनेशन बना देना है। उन कम्बिनेशन को हम कहेंगे, जैसे इसके अंदर क्या बात हो गई, अब सिलेक्शन, किसी चीज़ का सिलेक्शन कर रहे हैं। वहाँ क्या थी, परमुटेशन में अरेंजमेंट थी, यहाँ है सिलेक्शन कि भाई मैं आपकी क्लास में आऊँ, एक मैंने मॉनिटर सुन लिया और एक मैंने कौन सुन लिया, लैंग्वेज इंचार्ज सुन लिया। तो ये क्या हो गया, आपका सिलेक्शन होगा इन दोनों में, पहले मैं इसको चुन लूँ उसको चुन लूँ फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपने देखनी है कि कम्बिनेशन में क्या है, जब आपका कोई एक्स वाई बने, वाई एक्स बने, जेड एक्स बने, कोई भी बनता है, दीज आर कम्बिनेशन से। अब इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा, यस, ईच सिलेक्शन इज कॉल्ड कम्बिनेशन व्हेन थ्री ऑब्जेक्ट आर टेकन टू एट ए टाइम। तीन ऑब्जेक्ट में से कोई भी दो लेने हैं तो वो मेरे लिए सिलेक्शन हो जाएगा और उसको हमें सिलेक्ट करना है, तो किस में जाएगा, कम्बिनेशन में जाएगा। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एन सी आर, क्या यूज करेंगे, एन सी आर। देखिए परमुटेशन है तो पी लगता है, कम्बिनेशन है तो सी अप्लाई हो रहा है। अब इसको फॉर्मूले को लगाना कैसे, अब इसमें आएगा आपका n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कम होंगे बिकॉज ऑफ कि आपके कम्बिनेशन करने हैं, अल्टरनेटिव बिलोंग नहीं, वो मायने नहीं रखते हैं। अगर आप पहले वर्ड बना रहे थे तो उसमें भाई मैंने जेड एक्स बना दिया वो अलग था, एक्स जेड बनाया वो अलग है, अब मुझे सिलेक्शन करना है तो एक्स जेड बने या जेड एक्स बने मेरा काम पूरा होगा। मुझे दो बच्चे सिलेक्ट करने थे, एक्स और जेड सेलेक्ट हो गए, चाहे पहले मैंने जेड को सिलेक्ट किया हो चाहे मैंने एक्स को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज मायने नहीं रखती है कि उनका क्या ऑर्डर है। ओके, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को रिमेम्बर रखेंगे कि एन सी आर का फॉर्मूला होगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इससे आगे की बात करते हैं, एक चीज कंडीशन ये वाली वही है कि भाई आर की जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ी होगी, एन विल बी इक्वल टू लेस देन आर एन होगी, सॉरी, ठीक है। तो यहां से इस पॉइंट को जरूर याद रखना। ओके, अब यहां से हम वैल्यू निकाल के देख सकते हैं, एन सी आर है, अगर एन की वैल्यू, जो भी वैल्यूज आपकी जनरेट हो रही है तो कितनी आएगी, ठीक है, इट विल बी इक्वल टू वन। एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन आपकी हमारी बनती जाती है, वो भी निकालने से आपका टाइम सेविंग होगी। अब यहाँ से मैं एक चीज और बता दूँ आपको, देखिए ये कम्बिनेशन, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है आपका कि भाई एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, निकाल के देखिए फॉर्मूला इनपुट करके। इसको मैंने क्या बताया आपको, एन फैक्टोरियल, एक बार नीचे वाले का ऊपर ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, अब यही काम यहाँ कर रहा हूँ, एन बाई नीचे वाला लिखना है और फिर इसको घटाना है तो क्या बच जाएगा, आर फैक्टोरियल। These both will be equal here. तो ये फॉर्मूला याद रखना, एन सी आर विल बी इक्वल टू एन सी एन माइनस आर।
अगर नीचे वाले में हम चेंज कर दे, जैसे एन सी टू है, मतलब सॉरी एन की वैल्यू भी ले लेता हूँ, 5C2 है तो इट विल बी इक्वल टू 5C3, ये दोनों बराबर होंगे। पांच में से दो गए तीन, ठीक है, पांच में से तीन गए दो, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पांच में से एन में से आर घटा दिया, तो तीन आउटपुट आया, तो उसका आउटपुट इक्वल होगा। ओके आगे आगे चलते हैं, बाकी यही मेंस है आपके जो इसमें यूज होने हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे और अपने 7.3 कंप्लीट कर लेंगे। NC8 equal to NC2, देखिए सीधी सी बात है, n factorial divide by 8 factorial into n minus 8 factorial equal to n factorial divide by 2 factorial और n minus 2 factorial, n factorial से n factorial cancel हो गया, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ से 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। इसके बाद ये ऐसे का ऐसे रहने देंगे, उसको करेंगे एन माइनस 2 है, फिर क्या आएगा एन माइनस 3, n माइनस 4, n माइनस 5। अब ये देखिए ऐसे करूंगा तो मैं n माइनस 8 पहुंचेगा, ध्यान से देखना, भी मैं कुछ बताऊंगा उसके बाद। अब n माइनस 8 फैक्टोरियल से n माइनस 8, अब ये मेरे पास आ गए, इनको सोल्व करके n की वैल्यू निकालना काफी डिफिकल्ट टास्क नहीं हो जाएगा। अब मेरी सुनना, आपको